तो सपोज हमारे पास अब एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से पोल, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के पोजीशंस होंगे वो देखते हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो ये है मान लो हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कैसे पता चलेगा कि ये वाला साइड रफ होगा? ये साइड रफ होगा, जो अंदर को धसा हुआ साइड है वो रफ होगा और जो बाहर की तरफ उठा हुआ साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होगा, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस कॉन्वेक्स मिरर में पोल कहाँ पर होगा? पोल होता है जब फ्रंट साइड से देखोगे, याद है ना पोल किसको बोलते हैं? जब हम मिरर को फ्रंट साइड से देखते हैं तो एक प्लेन सरफेस जैसा दिखाई देता है। स्कूल में जैसे तुम्हें मिला होगा कॉन्वेक्स मिरर, तो सामने से देखने से वो डिस्क के जैसा दिखाई देता है। तो उस डिस्क का जो सेंटर होगा, उस डिस्क का जो सेंटर होगा या जो सामने से सरफेस दिखाई दे रहा है उसका जो सेंटर होगा वही कहलाता है पोल। तो ये पॉइंट जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये पोल हो जाएगा, और पोल से होकर के सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल माने होता है परपेंडिकुलर, एक लाइन अगर बनाए तो ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। और एपर्चर याद है किसी को? एपर्चर क्या होता है? व्हाट इज एपर्चर? और ये पॉइंट हो जाएगा पोल। एपर्चर का मतलब क्या होता है? जब हम मिरर की सरफेस को जब सामने से देखेंगे, फ्रंट साइड से, तो उस सरफेस का जो एरिया होगा उस एरिया को एंड टू एंड अगर ज्वाइन करें, मान लो कि सामने से देखने पर डिस्क जैसा दिखाई दे रहा है मिरर, तो उस डिस्क का जो डायमीटर होगा दैट इज कॉल्ड एपर्चर। जितना बड़ा एपर्चर होगा सामने से दिखने वाला एरिया उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा लाइट गैदर करेगा मिरर और उतना ही ब्राइट इमेज बनेगा, ठीक है। तो एपर्चर का जो सेंटर होता है, एपर्चर के सेंटर को बोलते हैं पोल। तो पोल के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाए जो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब अगर इमेज हमें, इमेज नहीं सॉरी, फोकस देखना हो, फोकस क्या होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हें याद होगा कि हमने फोकस किसको बोला, कि एक लाइट रे अगर पैरेलल टू द पोल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखें जरा। मान लो कि ये एक लाइट रे आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे ऐसे आई, तो ऑब्वियसली अब ये लाइट रे मिरर को पार करके तो जा नहीं सकती। कॉनकेव के केस में क्या था? ये हमारा था मिरर, ये ऐसे कॉनकेव मिरर था, और कॉनकेव मिरर पर हमने बना लिया सपोज, ये जस्ट फॉर रिवीजन बता रहे हैं, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है पहले, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और इस पर अगर एक लाइट रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे अगर आई ऐसे, तो ये, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये लाइट रे ऐसे आई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे किधर से जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे इस तरफ से कहीं से पार होगी, ठीक है। मान लो कि ऐसे ये लाइट रे चली गई, तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट किया वही कहलाता है फोकस। बट इस वाले केस में अगर देखें, हमारे आज के कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में, तो यहाँ पर लाइट रे इस जगह पर आई, अब ये मिरर को पार करके तो इधर जा नहीं सकती, तो फिर फोकस कैसे बनाएंगे हम? तो इसका जवाब है कि अगर हम इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि जिस पॉइंट पर लाइट रे आई है पहले तो तुम्हें वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी देख पाओगे कि किधर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और किधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो नॉर्मल कैसे देखते हैं, ये बात भी तुम्हें उस दिन बताई थी। तो कैसे देखोगे नॉर्मल? पहले तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना पड़ेगा, ये जो मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना पड़ेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो जिस हॉलो स्फेयर को काट कर हमने ये मिरर बनाया है, उस हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, मिरर बनाने के लिए
जिस स्फेयर को हमने कट किया था, जिस हॉलो स्फेयर को कट करके हमने मिरर बनाया था, ऐसे समझो मार्केट से घड़ा खरीदते हैं ना, मिट्टी का घड़ा, अगर वो टूट जाए तो टूटे हुए घड़े का एक पार्ट ले लिया हमने। अब तुमसे कोई बोले कि ये तो घड़े का एक पार्ट है, इसका सेंटर बताओ कहाँ होगा, तो कैसे बताओगे? कि बोलना भाई ये जिस घड़े का पार्ट था, उस घड़े का जो सेंटर था, वो इस टूटे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जिस स्फीयर को काट कर हमने मिरर बनाया है, उस मिरर का जो सेंटर होगा वही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये हमारा मिरर है तो ये जिस स्फीयर को काट कर बना होगा वो स्फीयर कुछ ऐसा रहा होगा। ये हम हल्के कलर में बना रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट समझने के लिए। तो इस स्फीयर का सेंटर जो होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो इस स्फीयर का सेंटर अगर तुम अंदाजा लगाओ तो यहाँ कहीं पर होगा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और ये हमारा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हमें नॉर्मल बनाना है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर। ठीक, तो अगर हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दो, तो जो लाइन बनेगी वही लाइन क्या होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम हमने लिख दिया, मान लो ए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर, तो इस पर नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल कैसे बनाओगे? सी से ए को ज्वाइन कर दोगे, तो हमने सी से ए को ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो हम तुम्हें बता देते हैं कि ये जो हम ऐप यूज कर रहे हैं इसमें हम डॉटेड लाइन नहीं बना पाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि रे ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे, यानी ये जो हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें एक तो बात ये है कि जब कॉपी में डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा पेंसिल और स्केल यूज करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट हाथ से नहीं बनाना चाहिए। एग्जाम में भी तुम्हें पेंसिल और स्केल से ही बनाना है, पेन यूज नहीं करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन का ध्यान रखना है। तो ये जो नॉर्मल जैसे हमने अभी बनाया, क्योंकि मेरे पास अभी इसमें ऑप्शन नहीं है डॉटेड लाइन बनाने का, तो इसीलिए हमने सॉलिड लाइन यूज कर लिया है, लाइट कलर जानबूझ के यूज किया है। तो इसको डॉटेड लाइन से बनाया जाता है हमेशा ही। सॉलिड लाइन से क्या चीज बनती है? केवल प्रिंसिपल एक्सिस और लाइट रे का पाथ, ये सॉलिड लाइन से बनाया जाता है। तो लाइट रे चाहे इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्टेड हो, कोई सा हो, लाइट रे हमेशा सॉलिड लाइन से बनेगा, और नॉर्मल अगर बनाना है तो वो डॉटेड लाइन से बनेगा। और मिरर के पीछे साइड में अगर हम लाइट रे का पाथ शो करते हैं तो वो भी डॉटेड लाइन से बनता है। लाइट रे का जो एक्चुअल पाथ है सिर्फ उसको सॉलिड लाइन से बनाना होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लाइट रे के पाथ में एरो बनाना कंपलसरी है। एरो बनाने से ही पता चलता है कि लाइट किधर से आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जा रही है। ठीक है, तो अब हम अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। डिस्कशन हमारा क्या था, ये जो लाइट रे थी ये ऐसे चलकर यहाँ पहुंची ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमने नॉर्मल बना लिया। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा? मिरर के इस साइड में तो लाइट रे आ नहीं सकती, किस साइड में, इस तरफ लाइट रे नहीं आ सकती। तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कैसे करेगी? अगर लाइट रे इधर आती, मान लो यहाँ कट कर देते तो यहाँ फोकस हो जाता, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। मिरर को पार करके लाइट रे जा नहीं सकती, तो फिर किधर जाएगी? ऑब्वियसली मिरर के इसी साइड में जाएगी। मिरर में क्या होता है, मिरर के जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड में जाती है, उसको पार करके नहीं जा सकती। तो कैसे पता लगाएंगे कि किधर जाएगी? तो सबसे पहला काम क्या होगा, तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लो। तो लाइट रे के पाथ और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी कि लाइट रे किस डायरेक्शन में जाएगी, लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे किधर जाएगी, नॉर्मल से इस डायरेक्शन में जाएगी, जिससे कि वो सेम एंगल पर, नॉर्मल के साथ सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो सके। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को तो कट की ही नहीं, ये तो थी इंसिडेंट लाइट रे, ये है इंसिडेंट लाइट रे और ये है रिफ्लेक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फ्लक्स नॉट फ्लक्स फोकस, फोकस क्या चीज होगा, फोकस वो पॉइंट होगा जहां से रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है।
बट यहाँ तो कट कर ही नहीं रही है, तो फिर फोकस कैसे डिफाइन होगा? तो इसका जवाब यह है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे के पाथ को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया जाए, अगर ऐसे देखो डॉटेड लाइन हम बना रहे हैं, अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाए तो यहाँ कहीं पर कट करती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक्चुअली कट नहीं किया, बट ऐसा अपीयर होता है कि इस पॉइंट से आ रही है रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट से आ रही है। देखो डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, एफ से ए की तरफ है, फ्रॉम एफ टू ए। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपीयर्स टू कम। रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो फिर से एक बार में पूरी बात बोल देते हैं कि फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ए रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपीयर्स टू कम व्हेन इट वाज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुई थी और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा ये देखने के लिए पिछला वाला वीडियो देख लेना, उसमें क्लियरली दिखेगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये सारा कुछ डिफाइन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट चीज है हमारा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इमेज फॉर्मेशन के लिए तुम्हें कुछ लॉज याद करने पड़ेंगे, जिन्हें लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, तो लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला लॉ तो ये है कि तुम्हें कम से कम दो लाइट रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, एटलीस्ट टू लाइट रेज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर एनी इमेज फॉर्मेशन एटलीस्ट टू लाइट रेज आर रिक्वायर्ड, कम से कम दो लाइट रेज होनी चाहिए तभी इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, और दूसरा लॉ क्या है, अभी हम सारे लॉज के यहाँ लिखेंगे नहीं, बोल के बता देते हैं। दूसरा लॉ ये है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन हमेशा ही फोकस से जाएगी, ये दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ ये है कि अगर लाइट, अभी डायग्राम से भी बता दिया जाएगा, तीसरा लॉ ये है कि अगर कोई लाइट रे टुवर्ड्स सी आ रही है, सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो जिस लाइन पर आ रही थी उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है या फोकस से पार होकर के आ रही है तो वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरी बात है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को याद करके देख सकते हैं, उस टेबल में ऐसा लिखा हुआ है, ये सारी बातें वहां पर दी हुई है। ठीक है, या अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो लिखने में तो काफी टाइम लगेगा, तो इसीलिए बोलकर बता देते हैं। दो लाइट रेस चाहिए पहला, दूसरा अगर कोई लाइट रेस सेंटर की तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो वो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, बस तुम्हारा एरो चेंज हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट रे टुवर्ड्स मिरर, रिफ्लेक्टेड लाइट रे अवे फ्रॉम द मिरर, बट लाइन वही रहेगी। ठीक है, तीसरी बात, अगर फोकस की तरफ कोई लाइट रे आ रही थी और यू कैन से फोकस से पार होकर के मिरर पे आ रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और नेक्स्ट बात, पैरेलल अगर आ रही थी पहले से तो वो फोकस से जाएगी या फोकस से आती हुई अपीयर होगी। ठीक है, यही मेन बातें हैं। पोल पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, अगर पोल पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अदर साइड में सेम एंगल पर चली जाएगी। तो इन सारी बातों को हम तुम्हें डायग्राम से बता देते हैं। पहली वाली बात क्या थी, पहली वाली बात थी कि अगर सी पर आ रहा है, सी की तरफ आ रहा है कोई लाइट रे तो क्या होगा। तो सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, समझना थोड़ा इजी रहेगा, कॉन्वेक्स वाला भी बताएंगे, पहले कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। ये सपोज हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया और इसका ये साइड रफ है, तो रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सा होगा, जो अंदर की तरफ घसा हुआ है वो रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगा। ठीक है,
और ये हमने बना लिया इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल कहाँ होगा, कहाँ होगा पोल, दिस इज पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, अंदाजे से बना लेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सपोज। और फोकस, फोकस कहाँ होगा, ये जानने के लिए हमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे लेनी पड़ती है। वैसे लगभग फोकस पी और सी का लगभग नहीं, एग्जैक्टली बीच में ही होता है। क्यों होता है ये हम आगे मैथमेटिकली इसको डिराइव करेंगे कि व्हाई फोकस इज पोजिशन बिटवीन पोल एंड सी। ठीक, तो फिलहाल के लिए इतना याद कर लो कि फोकस पी और सी के मिड पॉइंट पर होगा। तो अगर एक लाइट रे हम लेते हैं, ये हमने लाइट रे लिया विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया लाइट रे। तो अकॉर्डिंग टू अभी जो लॉस बताए गए थे उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ से जाना चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रे फोकस से जाना चाहिए। ठीक है, ये पहला वाला नियम हो गया, फर्स्ट वाला रूल हो गया। ठीक, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और दूसरा क्या बताया गया था कि अगर सी से कोई लाइट रे पास हो रही है, सपोज सी से पास होने वाली लाइट को हमने ये ले लिया, मान लो रेड कलर से ले लिया, तो कोई लाइट रे अगर सी से पास हो रही है, ऐसे सी से पार होकर के फिर मिरर पे पहुंच रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे इसी पाथ पर वापस चली जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वाला मान लो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, तो इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे वापस इसी पाथ पर चली जाएगी। ठीक है, तो ये रेड वाली लाइट रे कौन सी थी, ऐसी लाइट रे जो सी से पास होती है, तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस चली गई, रास्ता वही रहेगा केवल डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक, और क्या बताया, पोल पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती, तो मान लो पोल पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे हमने ले ली, ये ले ली ब्राउन कलर की लाइट रे ले ली, ये अगर पोल पर इंसिडेंट हुई कोई लाइट रे ऐसे, ये पोल पर इंसिडेंट हुई, तो पोल पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे किधर से जाएगी, ये उसी पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होकर के सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो, फिर से हम रिवाइज करा देंगे सारी बातें। तो इसमें हमने तीन डिफरेंट केसेस लिए हैं। पहला केस क्या लिया था, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शॉर्ट में लिख देते हैं पीए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रे हमने ली थी, कौन सी, ब्लू वाली। और दूसरा क्या लिया, लाइट रे पासिंग थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली। और तीसरा क्या लिया, लाइट रे इंसिडेंट एट पोल। ठीक है, तीन बातें हमने इसमें सीख ली, तो इनको हम एक एक करके जब इरेज करेंगे तो देखना, फिर से समझने की कोशिश करना क्या होगा। देखो पहले हम किस वाले को हटाते हैं, पहले ब्लू वाले को हटाते हैं, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये ब्लू वाला था, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गया, फोकस से गया। ठीक है, तो इसको हम उड़ा देते हैं ये। और दूसरा क्या था, लाइट रे पासिंग थ्रू सी, ये रेड वाला सी से पास हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही रिटर्न चला गया, उसी पाथ में वापस चला जाएगा, तो ये भी हो गया। और लास्ट क्या बचा, लाइट रे इंसिडेंट एट पोल, पोल पर जो लाइट रे इंसिडेंट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इधर जितना एंगल बनाया था इधर भी उतना ही एंगल बना करके वापस चला जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अदर साइड से। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा वाला। और एक बचा है, और एक कौन सा बचा, चार बातें बताई गई थी, और एक बचा है कि अगर फोकस पर ही लाइट रे आ रही है पहले से ही, लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, अगर लाइट रे फोकस से पास होकर के जा रही है तो क्या होगा, तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। मान लो हमने एक लाइट रे ले लिया जो फोकस से पार होकर के जा रहा है। एक लाइट रे हम ले लेते हैं जो फोकस से पार होकर के जा रहा है, ऐसे ये फोकस से पार होकर लाइट रे जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा,
आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए सारी चीजें कर ली, इसी तरह से कॉनकेव मिरर के लिए भी हो जाएगा। ठीक, सॉरी कॉनकेव मिरर के लिए हमने किया है, कॉन्वेक्स के लिए अभी करेंगे। कॉन्वेक्स के लिए करेंगे तो उसमें वही बात ध्यान रखनी है कि मिरर के पार लाइट रे नहीं जा सकती। ठीक, तो उसको कैसे करेंगे अभी वो भी बता देते हैं। तो सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है एक, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया और इसका ये वाला साइड रफ है और रिफ्लेक्टिंग साइड यानी शाइनिंग साइड ऊपर की तरफ उठा हुआ है, बल्ज्ड आउट है। ठीक, तो हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पोल कहाँ पर होगा, ये होगा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, मान लो यहाँ कहीं पर होगा और इन दोनों के मिड में होगा फोकस। ठीक है, तो एक एक करके जो हमने सारी लाइट रेज ली थी फिर से उनको लेते हैं और बनाकर देखते हैं क्या बनता है। तो एक लाइट रे लेते हैं विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रे हमने ले ली। तो कॉन्वेक्स के केस में तो हमने कह दिया था कि फोकस से पार हो जाएगी, लेकिन इसमें फोकस से पार नहीं हो सकती बिकॉज फोकस इज ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर। तो इसमें क्या बनाएंगे, इसमें हम ऐसी लाइट रे बनाएंगे जो फोकस से आती हुई अपियर होगी। ठीक है, तो आती हुई अपियर होगी लाइन कैसे बनाओगे, फोकस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, मिरर के पीछे जो भी लाइन बनेंगे वो डॉटेड लाइन से बनेंगे। ठीक, और इस डॉटेड लाइन के अलोंग भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया था अभी कुछ देर पहले ही कॉन्वेक्स के केस में कि फोकस ऐसा पॉइंट होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे फोकस से आती हुई अपियर होगी। ठीक, तो फर्स्ट वाला रूल तो वही हो गया जो फोकस की डेफिनेशन थी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपियर टू कम फ्रॉम द फोकस। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा क्या बोला था कि अगर सी पर लाइट आ रही है, अगर लाइट आ रही है सी पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाली लाइट रे कैसे बनाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ पर है तो कैसे बनाएंगे, एक लाइट रे हमने लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा था, मान लो कि ऐसे, पहले एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं तब सही बनेगा डायग्राम। तो सी से मिरर की तरफ मान लो हमने एक डॉटेड लाइन बना लिया ऐसे, तो अब हमारा लाइट रे जो था वो ऐसे आ रहा था टुवर्ड्स सी, ये देखो टुवर्ड्स सी लाइट रे हमारा आ रहा था। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल, इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे किधर से जाना चाहिए, इसी पाथ पर वापस हो जाना चाहिए, यानी जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे वापस हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, देखो इसीलिए बोलते हैं कि लाइट रे पर एरो बनाना जरूरी होता है, तभी पता चलेगा कि किस तरफ से लाइट आ रही थी और किस तरफ जा रही है। तो ये हमारा सेकंड वाला रूल हो गया कि सी की तरफ आने वाली लाइट रे, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर बट रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। अच्छा, और क्या बताया गया था कि पोल पर इंसिडेंट लाइट रे उसका क्या होगा, तो पोल पर इंसिडेंट लाइट रे बना लेते हैं, ये पोल पर इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अदर साइड में सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट, ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये अलग बात है कि दोनों सेम ही होते हैं। तो ये हो गए लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। और एक बचा, फोकस की तरफ आती हुई लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, तो फोकस की तरफ आती हुई लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, देखो उसको कैसे समझेंगे, पहले इन सबको हटा दिया। अब ऐसी लाइट रे लेंगे जो टुवर्ड्स द फोकस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो तो बाद में फोकस से आती हुई अपीयर होती है, बट ऑलरेडी फोकस की तरफ अगर आ रही हो तो क्या होगा, तो मान लो ये लाइट रे थी जो फोकस की तरफ आ रही थी, ये फोकस की तरफ आ रही थी, थोड़ा सा इसका पोजिशन चेंज करते हैं, हाँ ये फोकस की तरफ आ रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन
क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये लाइट रे किधर जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। तो ये लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, इनकी हेल्प से ही सारे इमेजेस बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रेज, अभी जैसे बताया था कोई भी इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रेज चाहिए, तो लाइट रेज का पाथ अगर एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेप्ट करता है, जैसे कि मिरर के, मिरर तुम्हारे स्क्रीन पे बना हुआ है, मिरर के अगर लेफ्ट साइड में ही लाइट रेज हैं और वो आपस में इंटरसेप्ट करती है, तो उनसे बनने वाला इमेज कहलाता है रियल इमेज। और जैसा कि तुम देख रहे हो मिरर के बैक साइड में लाइट रेज जा नहीं सकती, तो वहां पर क्या होगा, कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि लाइट रेज का एक्चुअल पाथ मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में नहीं होगा। मिरर को पार करके लाइट रेज जा नहीं सकती, तो मिरर के पीछे जितने भी इमेज बनेंगे वो सब के सब वर्चुअल इमेज होंगे, बिकॉज वहां पे लाइट रेज एक्चुअली कट नहीं करती, सिर्फ कट करती हुई अपियर होती है, उनका इंटरसेक्शन अपियर होता है, एक्चुअली होता नहीं है। तो ऐसे इमेज को जो लाइट रेज के वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है, उन इमेजेस को कहा जाता है वर्चुअल इमेजेस। और जो लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बनती है, वो इमेज कहलाती है रियल इमेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनता है। अभी हमने खाली इमेज बनाने के रूल्स पढ़े हैं और ये नहीं पढ़ा है कि इमेज कैसे बनेगा, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फोकस का पोजिशन एग्जैक्टली सी और पी के बीच में क्यों होता है, ठीक है। तो अभी क्लास यहीं पर रोकते हैं।